नमस्ते, कैसे हो आप सब? आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एकदम खुश होंगे और लाइफ को अच्छे से इन्जॉय कर रहे होंगे। वुमेंस डे मेरे लिए मायने में सिर्फ एक ही दिन नहीं होता, हालांकि ये मनाने का एक दिन ज़रूर है, लेकिन हम सबको ये जोश पूरे साल हमेशा ही रखना चाहिए। थोड़ी सी यहाँ पर अपना भी कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैं बताऊँगी, जैसा कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस लाइफ में रहा है, तो शायद आप लोगों को उससे मदद मिले। मेरे हिसाब से जो एक औरत होती है ना, वो सब कुछ तो हैंडल कर ही सकती है। कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त होता है। कॉन्फिडेंस कब डाउन होता है? जब हमें सामने वाला, जिनसे हम बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है, जिन्हें हमें बहुत ज़्यादा हम प्यार करते हैं, या जिनसे हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं, क्योंकि हम ओवर केयर करते हैं, हम ओवर प्यार करते हैं, सबकी ओवर ही मतलब ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं, करते हैं ना हम लोग। लेडीज़ में बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स ज़्यादा होती है, तो ऐसे में एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती है, होता है ना ये। तो जिनसे हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, वो हमारी उम्मीद पे खरे नहीं उतरते, या वो हमें डिसरिस्पेक्ट करते हैं, या हमें वो डिग्रेड करते हैं, डाउन करते हैं, और वाकई में कुछ हम में से अपने आप को ऐसा समझने लग जाते हैं। मैं हम क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हम एक परिवार है और मैं अभी अपने परिवार से बात कर रही हूँ, ठीक है। अपनी बात तो मैं आपको बताऊँगी। तो ऐसे में क्या होता है, हम अपने आप को सच में ना थोड़ा सा लो फील करने लग जाते हैं, और जो हमारे अंदर का जो टैलेंट है या हमारे अंदर की जो कैपेसिटी है, वो कहीं ना कहीं दब जाती है। लेकिन एक्चुअली महिलाओं में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, वो करने पे आ जाए तो बहुत कुछ कर सकती है। सिर्फ विल पावर यहाँ पे स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। लेकिन क्या होता है कि नहीं, बच्चों की जिम्मेदारी है, बड़ों की जिम्मेदारी है। तो जैसे मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, बचपन से ना मुझे बहुत कुछ करने का मन था, यानी कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना था, अपने पैरों पे खड़े रहना था। मैंने एक बार आप लोगों को बताया भी था शायद किसी वीडियो में, कि मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आई हूँ, ठीक है। और मुझे ऐसा था कि जो भी मुझे पढ़ाई करनी है वो मुझे खुद से करनी है, मुझे पापा पे ज़्यादा लोड नहीं डालना है। हालांकि मम्मी पापा एवर रेडी हमेशा रहते थे, जो मैं करना चाहती थी वो हमेशा मेरे साथ रहते थे कि तुझे जो करना है हम तेरे पीछे हैं। लेकिन मुझे खुद को ऐसा लगता था कि नहीं, क्योंकि हम लोग चार भाई बहन थे, मेरे तीन छोटे भाई और मैं खुद सबसे बड़ी। तो ऐसे में मुझे लगता था कि नहीं, मुझे करना है, खुद से करना है, अपने पैरों पर खड़े रह के करना है। मुझे मम्मी पापा पे मतलब मुझे उनको प्रेशर नहीं देना, मुझे उनको टेंशन नहीं देना। तो बचपन से वो एक अंदर में जुनून था। मैं स्कूल में थी तभी से मैंने ट्यूशन्स लेना शुरू कर दिए थे। फिर कॉलेज आते आते तो मैंने काफ़ी सारे कोर्स भी कर लिए थे, जॉब भी करना शुरू कर दी थी, ट्रैवल एजेंसी में काम किया, उसके बाद एयरलाइन तक भी पहुँच गई मैं, एयरलाइन में मैंने जॉब की। और उसके बाद जब मेरी शादी हो गई, तो जब हम लोग प्लानिंग कर रहे थे बच्चे के लिए, तब मुझे जॉब मैंने छोड़ दी। मतलब उस वक्त मैं बहुत ही अच्छी पोस्ट पे प्रमोट होने जा रही थी, और उस वक्त पे आके मैंने जॉब अपनी छोड़ दी। हालांकि बहुत लोग जॉब करते हुए भी प्लान करते हैं, लेकिन मेरे लिए उस वक्त पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एयरलाइन में जब मैं उस वक्त काम कर रही थी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हमेशा रहता था, ना आने का टाइम ना जाने का टाइम, फ्लाइट्स लेट हो जाती थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। मतलब अगर मैं शॉर्टकट में यहाँ पर कहूँ तो ओवरऑल ऐसे में मेरे लिए जॉब छोड़ना ज़्यादा बेटर था, अगर मुझे प्लान करना है तो। तब मैंने फिर जॉब पे रिज़ाइन कर दिया, और रिज़ाइन करने के बाद जब मुझे हिमांशु यानी कि मेरा बेटा हुआ, उसके बाद क्योंकि मुझे बैठने की तो आदत नहीं थी, बचपन से मुझे आदत थी कि मुझे कुछ ना कुछ काम करना है। हालाँकि भगवान की मेहरबानी से मुझे कभी ऐसा ज़रूरत नहीं लगी कि मुझे कमाना पड़े, लेकिन वो कहते हैं ना कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट की जब वो आदत हो गई थी ना, तो मुझे वो काम करना ही था। मुझे ऐसा था कि मैं हमेशा एक्टिव रहूं, मैं काम कुछ ना कुछ करती रहूं, हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट रहूं। पैसे हाथ में रहेगा तो ऐसा लगता है कि पावर है। हालांकि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन अगर पैसा है तो ऐसे में आपको कहीं पे अटकते आप नहीं हो, है ना। एटलीस्ट आप बेसिक अपनी नेसेसिटी आप पूरी कर सकते हो, या आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। ऐसा नहीं कि हस्बैंड मना करते हैं या कुछ भी ऐसा बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसे लगता है ना कि जब आप खुद से जब आप कमाते हो, तो एक अपने अंदर से वो कॉन्फिडेंस आता है, और जब आप कोई चीज़ आप पसंद करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज़ आप ले सकते हो। मतलब आपका जो खुद का कॉन्फिडेंस है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा
फ़र्क आ जाता है उसमें। दूसरी बात, आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। मेरा बोलने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि चाहे कोई भी महिला हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वर्किंग हो, अभी वर्किंग है तो ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन जो हाउसवाइफ हैं, हालांकि जो घर का काम है वो भी कम नहीं होता, वो इनफैक्ट सबसे ज़्यादा काम होता है जिसकी की वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर पैसे नहीं मिलते। लेकिन एक अगर आप होममेकर अगर नहीं हो घर में, अगर आप कहीं चले जाएं तो पूरा घर उथल पुथल हो जाए। मतलब इतना ज़्यादा एक होम मेकर जो कि मेरे हिसाब से होम क्वीन होती है, राइट, जिसके बगैर घर चलना मुश्किल है। तो ऐसे में मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि जब आप पूरा घर संभाल सकते हैं, जब आप सबको हैंडल कर सकते हैं, तो आप अपने पैरों पे क्यों नहीं खड़े हो सकते? आप खुद का काम कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आपकी हॉबी होगी। ऐसा नहीं है कि देखिए आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास पैसे होंगे, मैं सबकी बात नहीं करी लेकिन कुछ एक की बात करी, हो सकता है कि आपके पास पैसे हैं लेकिन आपको लगता है कि क्या ज़रूरत है, मज़े करो। लेकिन मेरे हिसाब से आपको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, जिससे कि कॉन्फिडेंस वाकई में बढ़ता है, आपके बात करने में भी फ़र्क आता है, आपका जो उठने बैठने का तरीका, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। आप खुद वो फ़र्क अपने आप में देखेंगे, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है। क्योंकि मैं देखिए, मुझे कई सारी महिलाएं मुझे ये बोलती हैं कि हमारे तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता, क्योंकि हम वो होम मेकर हैं, हम घर का ही सिर्फ काम करते हैं, मैं कमाती नहीं हूँ, जब भी मैं पैसे मांगती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इंसल्ट पहले सुननी पड़ती है, उसके बाद ही मुझे पैसे मिलते हैं। ऐसे नहीं है कि मेरे हस्बैंड के पास पैसे नहीं है, वो देते हैं, लेकिन मुझे बहुत प्लानिंग करके उनसे बात करनी पड़ती है, या मुझे बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है, मतलब काफ़ी सारी बातें होती हैं और डिसरिस्पेक्ट होती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, भले आप घर से ही कुछ काम क्यों ना कर ले। अब जैसे कि मेरी आधे में बात रह गई कि जैसे मैं अब पूरी तरह से मैं होम मेकर बन चुकी थी, मैं घर में थी और मेरे दिमाग में ये भी था कि नहीं, मुझे एकदम से काम नहीं करना है, मुझे अपने बच्चे को भी टाइम देना है। जब तक मेरा बच्चा 2 या 3 साल का नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक मैं काम स्टार्ट नहीं करूँगी, मुझे इसको पूरा टाइम देना है, और उसके बाद भी मैं पार्ट टाइम कुछ ना कुछ काम करूँगी जब तक वो 5 या 6 साल का नहीं हो जाता। इस तरह से मैं प्लान करके चल रही थी। तब मेरे दिमाग में ये था कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि हमेशा से मैंने बाहर ही काम किया, तो ऐसे में घर में मैं क्या करूँ। तो उस वक्त मैंने क्या किया, ब्यूटी पार्लर का मैंने कोर्स किया शॉर्ट में, दूसरा मैंने हॉबी क्लासेस की, क्योंकि मुझे बचपन से आर्ट का बहुत ज़्यादा शौक़ था, यानी कि जैसे कि हैंड राइटिंग, अच्छी कैलीग्राफी करना, फैब्रिक पेंटिंग करना, अलग अलग तरह के आर्ट्स बनाना, जैसे कि एक मैंने अपने हाथ से एक वाटरफॉल भी बनाया था, पेंटिंग्स काफ़ी सारी बनाई थी, मतलब आर्ट में जो भी कुछ आ गया, क्राफ्ट में आ गया, उसके मैंने कोर्सेस किए। और उस वक्त मैं क्या करती थी, अपने बच्चे को मैं साथ में लेके जाती थी, 1 घंटे का ही कोर्स होता था और पास में मैंने ढूंढा था ताकि मुझे दिक्कत नहीं आए। तो हालांकि मैं सारा कुछ कर लेती थी, घर का काम भी करती थी, सब करती थी, लेकिन बीच में अपने लिए 1 से 1.5 घंटा ज़रूर से निकालती थी, ताकि मैं अपने आप को धीरे धीरे साइड बाय साइड ट्रेन करती चली जाऊँ, ताकि जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाए तो मेरा एक्सपीरियंस भी होता चला जाए और मैं अच्छे से क्लासेस शुरू कर पाऊँ। उसके बाद मैंने अपनी क्लासेस शुरू की, धीरे धीरे टाइम ऐसा निकलता चला गया। साइड बाय साइड मैं हमेशा टैरो कार्ड रीडिंग करती थी, क्योंकि जब मैं एयरलाइन में थी तभी से मैं टैरो कार्ड रीडिंग एज अ हॉबी हमेशा करती थी। मैंने पहले ही बताया था कि मेरे पापा खुद एस्ट्रोलॉजर है, हालांकि प्रोफेशनल लेवल पे बाहर उन्होंने कभी नहीं किया, उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और काफ़ी मैंने उन्हीं से सीखा, आज भी मैं उन्हीं से सीखती हूँ, बहुत मैंने उनसे नॉलेज हासिल किया है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, तो उनसे मैं हमेशा आज भी मैं सीखती रहती। तो उनकी वजह से ही मुझे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला। और मम्मी हमेशा मुझे बूस्ट करती थी, इंदु मैं तेरे पीछे हूँ, तुझे जो करना है कोई बात नहीं, मैं तेरे पीछे, मतलब ये मेरी खुद की चॉइस थी, कि मुझे ऐसा था कि मुझे कमा के जो भी करना है मुझे खुद से करना है। अच्छा, फिर एक टाइम के बाद मुझे लगा कि अब मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, अब मुझे लाइफ में कुछ करना चाहिए, मुझे अपने करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए। तब मैंने टीवी में मैं शोज़ देखा करती थी जो टैरो कार्ड रीडर्स आती थी, तो उस वक्त मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई थी कि मुझे बस वहाँ तक पहुँचना है, मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे उस लेवल तक पहुँचना है, जो मेरा नॉलेज है, जो मैं ज्ञान है, वो मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। एक टीवी ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं मेजर पब्लिक तक मैं पहुँच सकती हूँ, क्योंकि एक घर में, एक बिल्डिंग में आप कितने लोगों को मिल लोगे। और मुझे शुरू से ये आदत थी, जैसे मैं एयरलाइन में भी जॉब करती थी तो मैं काफ़ी लोगों से मिलती थी, तो मुझे ये हमेशा से इंटरेस्ट रहा है कि मैं अलग अलग तरह के लोगों से बात करूं, जितना हो सके मैं हेल्प करूं, जितना हो सके मैं अपने से मैं कर पाऊं और खुद भी करियर में आगे बढ़ूं।
ठीक है, पैसे का हालांकि मुझे इतना कभी नहीं रहा, लेकिन हाँ मेरे दिमाग में ये ज़रूर रहा कि मैं जितना हो सके नॉलेज लाइफ में गेन करूँ, और जितना आप नॉलेज बांटते हैं ना उतना नॉलेज आपका बढ़ता भी है, ये हमेशा से मेरी थिंकिंग रही है। उसके बाद मुझे अब ये दूर दूर तक पता नहीं था कि आके टीवी इंडस्ट्री में पहुंचूं तो कैसे पहुंचूं। मुझे ये भी नहीं पता था कि अच्छा टीवी इंडस्ट्री में तो जाना है, लेकिन दूर दूर तो कोई पहचान ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि आखिर वहाँ तक जाते कैसे हैं। फिर ऐसे अचानक से बैठे बैठे मैंने कहीं पर मुझे पता चला कि आपको वेबसाइट बनाना चाहिए, एक वेबसाइट के ज़रिए लोगों को पता चलेगा। मैंने अपनी वेबसाइट बनवा ली। वेबसाइट जैसे ही बनाई उसके विद इन अ मंथ मुझे सामने से इंटरव्यू के लिए कॉल आया कि हम एस्ट्रोलॉजर ढूंढ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से। ऑलमोस्ट आई थिंक 10,000 के 15,000 एस्ट्रोलॉजर्स को उन्होंने कांटेक्ट किया था। उन्होंने सभी को बुलाया था कि ऑडिशन करके आपको देना है, तो ऐसे में मैं ऑडिशन में गई और उसके बाद शॉर्टलिस्ट होके हम कुछ 13 जन हो गए थे, और उसके बाद भी शॉर्टलिस्ट होने के बाद हम 3 जन हो गए थे, और फाइनली मैं अकेली थी जिसने कि 3 साल कंटिन्यू लाइव एपिसोड्स टीवी पे किए। देखिए यहाँ पे मैं अपने आप की ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रही हूँ या मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बोलने का मतलब मेरा ये है कि जब मैं कर सकती हूँ, ठीक है, मैं भी एक ऑर्डनरी हूँ आप ही की तरह। मैंने अपनी थोड़ी सी आपको शॉर्ट में यहाँ पे लाइफ बताई कि मैं भी उसी घर से आई हूँ, मैं भी एक नॉर्मल हाउसवाइफ भी रही हूँ, मैं भी एक नॉर्मल गर्ल रही हूँ आप ही की तरह। लेकिन जब आप अपना विल पावर स्ट्रांग कर लो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो वही शक्ति आप ही के अंदर भी है, सिर्फ आपको अपने आप को जगाना है। आप ये ना सोचे कि कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, रिस्पेक्ट मांगने से कभी नहीं मिलती। आपको लगता है मैं तो सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, सबको प्यार करती हूँ, सबकी केयर करती हूँ, तो मुझे क्यों नहीं मिलता? नहीं, आप अपनी खुद की एक पर्सनालिटी बनाएं। जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे, खुद की एक पर्सनालिटी नहीं बनाएंगे, तब तक ना तो कोई आपकी इज्जत करेगा ना ही आपको कोई प्यार करेगा। ये एक कड़वा सच है, ये एक हकीकत है, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, आप जीवन में तरक्की करें, तो खुद का विल पावर स्ट्रांग करें। और सबसे बड़ी बात, जब कोई आपको बोले कि तू तो ऐसे ही है, तू तो वैसे ही है, उस बात को अपने मन पे ना लगाएं, क्योंकि ये वही इंसान कई बार आपको बोलते हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उनकी बातों को आप सच मान के अपने मन पे ले लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि सामने वाला जो व्यक्ति एक्चुअली बोल रहा है वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, वो गुस्सा निकाल रहा है अपने ऊपर। रियली में कई बार आप ऐसे नहीं हो, इस बात को आप समझने की कोशिश करें। तो अगर आप उस बात को अपने मन पे नहीं लेंगे ना, लेट गो करेंगे, तो आप जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। जब आप जीवन में तरक्की करेंगे तो ऐसे में रिस्पेक्ट आपको ज़रूर मिलेगी। और ये कभी ना सोचें कि अभी तो मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं किधर जाऊँगी, मैं तो कभी जीवन में बाहर ही नहीं निकली। ऐसा कुछ नहीं है, डरेंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समुद्र में अगर कोई आपको धक्का दे दे तो अपने आप हाथ पैर चलने लग जाते हैं ना, कैसे एकदम छटपटाते हैं अगर स्विमिंग नहीं आए तो। उसी प्रकार से ऐसा समझिए कि ये जीवन है, जब तक आप इसमें कूदेंगे नहीं आपको नहीं समझ में आएगा। और तकलीफ से तो कभी डरना नहीं है, कभी डरना नहीं है। कई लेडीज़ तो यही सोच के डर के मारे बैठ जाती कि अरे मैं कहीं गुम हो जाऊंगी, मैं तो कभी गई नहीं, मुझे तो रास्ता ही नहीं पता, मुझे तो हर बार मेरे हस्बैंड चाहिए, जब तक मेरे हस्बैंड नहीं जाते मुझे तो समझ ही नहीं आता। ऐसा आपको नहीं होना है, ये अच्छी बात है, हस्बैंड के साथ जाना चाहिए, उनकी ओपिनियन भी ज़रूरी है, उनका साथ भी ज़रूरी है, लेकिन हर बार इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप अपने आप पे भी सेल्फ डिपेंडेंट रहें, कई बार उनका मूड नहीं है, वो थके हुए हैं, है ना, तो उनके साथ भी जाइए, लेकिन अपने आप को उतना सक्षम बनाइए कि आप अकेले भी घर से बाहर निकल पाएँ, आप अकेले भी डिसीजंस ले पाएँ, आप अकेले भी कोई चीज़ कर पाएँ। अपनी बात में वो दम रखिए, नैगिंग तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्या होता है जब पूरी तरह से हम घर पे बैठ जाते हैं, या हम अपने आप को टाइम नहीं देते हैं, या अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम नहीं निकालते हैं, सिर्फ बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, घर के लिए काम कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल रहे, सेल्फ लव नहीं कर रहे, तो ऐसे में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हमारी बढ़ जाती है, और फिर क्या करते हैं, हस्बैंड के साथ बच्चों के साथ नैगिंग शुरू कर देते हैं, टोक टोक शुरू कर देते, अरे आप तो ऐसे करते हो, आप तो वैसे करते हो, आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो, आप तो ध्यान ही नहीं देते हो, करते हैं ना, ऐसा होता है ना।
तो ऐसे में अपना मन डाइवर्ट करने के लिए अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप के लिए टाइम निकालिए, कोई भी ऐसी चीज़ कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, भले आप आधा घंटा निकालिए, अगर आप नहीं कमाना चाहते तो एटलीस्ट अपने लिए तो टाइम निकालिए। सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, और उससे आपकी पर्सनालिटी बनती है। और सबसे बड़ी मेन बात क्या होता है, ऐसे में बहुत लेडीज़ शादी के पहले तो अपने आप को बहुत अच्छा मेंटेन करके चलती हैं, मस्त एकदम फुल अपने आप को टाइम देती हैं, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, बस ऐसे ही, मतलब आप कंपेयर करोगे तो पहले क्या दिखते थे अभी क्या दिखते हो, फिर आप यहाँ पे रीज़न क्या देते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो फुर्सत ही नहीं है। अपने आप को आईने में देखना तो बहुत दूर की बात, यही गलत बात है। आप अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं, आप अपने आप को डाउन कर रहे हैं। आप में इतनी शक्ति है, आप में इतना पावर है कि आप ऑलराउंडर हैं। आप घर का काम भी कर सकती हैं, आप बाहर का काम भी कर सकती हैं, आप खुद के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको ये दिमाग में ठान लेना है, अपना विल पावर बना के रखना है। ये सारा खेल दिमाग का है, ये सारा खेल सब कुछ यहीं का है और यहाँ का। अगर आप किसी की बात पे नेगेटिविटी को मन पे नहीं लेते तो आप लाइफ में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। सिर्फ अपना विल पावर स्ट्रांग कीजिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पे आज ये ठोक बजा के मैं आपको ये बात बोल सकती हूँ, क्योंकि एक ज़माने में मैं भी एक बहुत शाय, बहुत ही डरपोक लड़की हुआ करती थी, जिसके मुँह से शब्द ही नहीं निकलते थे। मेरे को लिटरली लोग गायें बोलते थे, अरे तू किस टाइप की लड़की है, तेरे मुंह से तो शब्द ही नहीं निकलते। मैं आंखें ऊपर उठा के नहीं देखती थी, मैं जब भी रोड पे चलती थी ना, मेरी आंखें ऐसे नीचे होती थी, मैं नीचे देख के चलती थी, मैं अटकती थी, मैं आंखों में देख के बात नहीं कर पाती थी। मतलब कल में और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। कैसे आया? तो जब मेरे में आया तो आप में भी आ सकता, और इसके लिए कोई उम्र नहीं होती। ये नहीं कि मैंने बचपन से किया तो इसलिए मैं कर पाई, आप अभी भी कर सकते हैं। ये सारा खेल दिमाग का है, मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ। सिर्फ अपना विल पावर स्ट्रांग कीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, सब कुछ कर सकती हैं आप। ये होता है एक्चुअल मेरे हिसाब से वुमेंस डे। तब आप मुझे बताइएगा, माफ़ कीजिएगा अगर आपको ये बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण लगा हो तो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आज मैं आप लोगों को दिल से अपनी बात इस दिन बताऊं, क्योंकि वैसे तो मैं हवा आपको उपाय बताती रहती हूँ वीडियोस में, या कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन देती रहती हूँ। तो आज इस दिन पे मुझे लगा कि नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। और मैं बहुत लेडीज़ को जब मैं कंसल्टेशन में जब मैं बात करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर में फील होता है। मैं उनसे बात करती हूँ, उनको समझाती हूँ, वो भी मुझे सामने से बोलते हैं कि हाँ मुझे आपसे बात करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं रहे, उसका असर 24 घंटे के लिए नहीं रहे, उसका इम्पैक्ट आपको बहुत देर तक रहना चाहिए। दो दिन नहीं, चार दिन नहीं, हमेशा के लिए रहना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट ईयर आप इसी वुमेंस डे पे आप मुझे अपनी कोई ना कोई गुड न्यूज़ देंगे कि आपने क्या जीवन में हासिल किया, खुद के लिए आपने क्या किया, क्या आप चेंजेस महसूस किए हो ये एक साल में। मैं ये आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे ज़रूर ये गुड न्यूज़ देंगे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर मेरा ये वीडियो 10 लाख महिलाओं ने भी देखा, और उसमें से 10,000 महिलाओं ने भी अगर अपने आप को एक साल में अपने आप में बदलाव ला के दिखा दिया, पॉजिटिवली अपने पैरों पर खड़े होकर दिखा दिया, तो समझ लो इससे बड़ा गिफ्ट मिले और लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ महिला दिवस यानी कि वुमेंस डे सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए, ये जज्बा, ये जुनून आपके अंदर हमेशा जगे रहना चाहिए। वो अग्नि को कभी बुझने ना दें, इस अग्नि को बढ़ाते ही चले जाएं। देखिए जीवन में आप ज़रूर तरक्की करेंगे। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। याद रखिएगा, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ये सिर्फ दिमाग का और मन का ही खेल है। विल पावर अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप ज़रूर जो करना चाहती हैं आप करेंगी। थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी आपको, लेकिन आप उसको पार कर जाएंगी अगर आपने अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग किया तो। डरना आपको नहीं है, वहाँ पे ही आप डगमगाते हैं जहाँ पे आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अरे ये है वो है, मतलब आप 100% आपका विल पावर नहीं है, आप समझ जाइएगा, ये एक्सक्यूजेज होते हैं। तो ऐसे में अपने आप को 100% आपको ये मान के चलना है कि मुझे ये करना ही करना है, मुझे उस लेवल तक पहुंचना ही पहुंचना है, मुझे अपनी पर्सनालिटी को ये लेवल तक लाना ही लाना है। जिस दिन आप ऐसा कर लेंगे,
कोई भी आपके रास्ते में आए रुकावट वो एकदम से दूर हो जाएगी। करके तो देखिए एक बार, जो मैंने आज बताया एक बार करके तो देखिए, आप मुझे खुद बताएंगे कि हाँ आपकी लाइफ में अब चेंजेस आने लग गए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि आपकी ये वीडियो शेयर करने से बहुत महिलाओं की मदद हो सकती है। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर जाइएगा मत। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।